हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक सिखाने वाला हूं कि जिनका इस्तेमाल सिर्फ आप 2 मिनट के लिए भी करते हो तो आप साइटिका के दर से इंस्टेंट रिलीफ ले सकते हो। तो ये ट्रिक को डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमें थंब को रख देना है, इनको अच्छी तरीके से दबाना है, इनके बाद घुटने में से लेग को इस तरीके से बेंड करना है, फिर यह लेग को ऐसे बाहर की साइड घुमाना है, जहां पर आपको दर्द महसूस हो वहां पर रुक जाना है, थोड़ी देर रुकिए, इनके बाद वापस लाइए। तो यह हमारी टेक्निक है। तो हमें यहाँ पर किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है वह पहले जान लेते। एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें पहले जो हमारा टेलबोन है, जिनको सेक्रम बोला जाता है, इनको लोकेट कर लेना है। यहाँ पर आपको 2 खड्डे दिखेंगे, डिप्रेशन होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक हाथ को रख देना है, एक फिंगर को रख देना है, दूसरी फिंगर हमारे हिप के बाहर, यहाँ पर उभरी हुई हड्डी होती है जिनको ग्रेटर ट्रोकेटर बोला जाता है, वहाँ पर रखनी है। अब यह दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली एक लाइन आपको इमेजिन करनी है। अब यह लाइन को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मिडल 2/3 और लेटरल 1/3। अभी यह दोनों पार्ट का जो जंक्शन है वहाँ पर हमारा यह पॉइंट मिल जाता है। फिर से जान लेते हैं। पहले आपको यह डिम्पल पकड़ लेना है, इनके बाद बाहर की साइड जो उभरी हुई हड्डी है इनको पकड़ लेना है। अभी यह दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन आपको इमेजिन करनी है। अभी यह लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मिडल 2/3, लेटरल 1/3। इनका जो जंक्शन है वहाँ पर हमें यह पॉइंट पकड़ लेना है। यह पॉइंट लोकेट करने के बाद यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से दबाना है। कितना दबाव देना है, जहाँ पर आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो जाए उतना दबाव देना है। इनके बाद फिर घुटने में से लेग को बेंड करना है, 90 एंगल पर बेंड करना है। यहाँ पर जो एंगल है वह 90 एंगल होना चाहिए। इनके बाद फिर आपको लेग को इस तरीके से बाहर घुमाना है, जहाँ पर हल्का हल्का दर्द महसूस होना शुरू हो जाए वहाँ पर रुक जाना है, दबाव को मेंटेन रखना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद वापस लाइए, वापस से बाहर घुमाइए, यह जो प्रेशर है उनको मेंटेन रखना है, थोड़ा सा बाहर ज़्यादा ले जाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ दीजिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। 2 मिनट में आपकी यह टेक्निक ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमारा पायरीफॉर्मिस मसल होता है, यह मसल के नीचे से हमारी साइटिक नर्व पास होती है। तो जैसे ही आप यह टेक्निक इस्तेमाल करते हो तो जो पायरीफॉर्मिस मसल है वह हमारा रिलीज हो जाएगा और साइटिक नर्व के ऊपर जो दबाव आ रहा है वह दबाव कम हो जाएगा और आपको साइटिक पैर में इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगी। तो यह सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही साइटिका के दर्द से तुरंत रिलीफ ले सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।